हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द फनी ब्लॉगर। आर यू सरप्राइज्ड? ये कहाँ से आ गया? तो आज हम लोग ट्रिप पे आए, फाइनली कजिन्स का ट्रिप है। और ये देखो, हाय। तो मिताली इज फीचरिंग मी टुडे इन एंड आई एम द ऑर्गेनाइजर। यस यस, शी इज ऑर्गेनाइजर। कंप्लीटली घटिया ऑर्गेनाइज किया एकदम। सबको बहुत कन्विंस करना पड़ा मेरे को, बिल्कुल मान नहीं रहे थे ये लोग। Finally, the video is here and we are going to rock here today in Neral. And what happens in Neral stays in Neral. Okay, so let's walk. So, अभी मैं आप लोग को देने वाली हूँ एक होम टूर। ये जो विला है ये हमने Airbnb से बुक किया था एंड हमें चार्ज किया था 7500 फॉर वन नाइट एंड वी आर 12 पीपल, सो हमको बहुत अच्छा रीजनेबल मिला। ये आपको 7 to 8 मिनट्स वॉकिंग है स्टेशन से, बट आने से पहले प्लीज आप एक बार केयरटेकर से पूछ लेना कि कहाँ से आना है, अदरवाइज आपको लॉन्ग कट मिलेगा। जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट है और यहाँ पे क्रिकेट के भी इक्विपमेंट्स है, तो आप लोग खेल सकते हो। ये हमने बाइक सेट की है पूरी। दिस वॉज द हॉल। और ये हमारे सबसे बोरिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप जो सो रहे हैं, ट्रिप में सोने के पैसे दिए इन लोगों ने। रिचार्जिंग यार, हाइबरनेटिंग। सो दिस इज द बेडरूम। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हाउस इज दैट एवरी बेडरूम हैज अ बाथरूम। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एकदम लाइटिंग सेटअप किया है। सोने के पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे। सो जो विला है दैट इज इन प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, सो यू विल गेट ऑल द थिंग्स। तो कोई टेंशन नहीं है कुछ लाने की। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअली हमारा प्लान था कि माथेरान जाए, बट आफ्टर द ट्रैवलिंग वी वर सो टायर्ड दैट वी जस्ट वांटेड टू स्टे बैक हियर। सो आफ्टर अ व्हाइल वी स्टेप्ड आउट टू हैव आवर लंच। देर इज़ अ क्लोज बाय रेस्टोरेंट हियर और एकदम खाना घर जैसा है, बहुत टेस्टी एंड वेरी रीजनेबल। दो यहाँ पर डिलीवरी मिलती है, बट देन वी जस्ट प्रेफर्ड गोइंग आउट एंड ईट। And there are many options nearby. The host and the caretaker would guide you well. The food was really nice. Don't go on the ambience, but the taste is really good. और फिर हम केक लेने के लिए निकल गए थे। Actually, there was some celebration, which is why we were here, and you would see further in the vlog. And then it was evening time, और हम badminton खेलने के लिए बाहर निकले। Actually, badminton used to be my favorite game during the school days, but I don't even remember when I played it so much last time. हम कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। तो वेदर इतना प्लेजेंट था कि हमने सोचा कि कहीं जाए, एंड यहाँ पे पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे एक लेक था जहाँ हम आए थे। एंड लुक एट द स्काइज, दे वर सो डैम प्रिटी एंड द व्यू। ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस कितने ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ पे बस बैठे रहो ना तो भी सुकून मिलता है, स्पेशली व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस। कैसे हम बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं और अपना बचपन याद करने लग जाते हैं। एंड
अंधेरा हो रहा था, सो इट वॉज टाइम टू लीव. वैसे मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर जाना पड़ा. इतने अच्छे वेदर के बाद एक टपरी की गर्म चाय और बड़ा पाव तो बनता है. एंड आई मिस्ड ऑन टेलिंग यू द रीज़न. सो मेरी जो कज़न है साइली, शी इज़ लीविंग फॉर US फॉर अ मास्टर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न वी डिसाइडेड टू गिव हर अ स्मॉल सरप्राइज. You know what was the best part about this trip was that यहाँ पे 13 years से लेके almost 30 years के लोग थे, but everyone was bonding so well. मुझे बिल्कुल याद नहीं है कब हम सब ने साथ में मिलके इतना मजा किया था, और next probably कब हम लोग करेंगे, क्योंकि सब अपने paths पे जो जा रहे थे. But जाने के गम के पहले ये होली की खुशी मना लेते. And what matters was these few moments, which we would always remember. शायद ये ट्रिप ना होती तो हम कितना कुछ मिस कर लेते. बट एंड में बस यही लगता है कि यार हमने ये सब पहले क्यों नहीं किया. मे बी इट वुड हैव गिवन मच मोर मेमोरीज एंड मच मोर ट्रिप्स. Bye. Proud of my sister. She's a very good organizer. सब बहुत अच्छा किया उसने, सब कुछ अच्छा किया. अभी झूठ मूठ के आंसू. But thank you for featuring on your YouTube channel basically. तो guys please मुझे subscribe कीजिए. I am also a struggling YouTuber. तो my channel name is the funny blogger. And also do subscribe her channel. She came after a long time on YouTube. I know you all be waiting for her videos. So fine.